प्रियंका और टीना को बैश करने पर आखिरकार फराह खान पर कौन है भड़का, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शालीन को मॉक करने के लिए, उनको बुली करने के लिए फराह खान ने प्रियंका और टीना की क्लास लगाई और उन्हें बैश किया, और जिस तरीके से उनको बताया कि कैसे एक बंदा डिप्रेशन में, उसको मेंटल इश्यूज है और तुम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारा दांत टूटा था, तुम्हारे दांत में जब वो था इशू था, वो बहुत बड़ा इशू हो गया तो कि तुम जाने के लिए तैयार थी। तो प्रियंका और टीना पर भर के बरसी थी फराह खान, और वैसे तो टीना दत्ता बाहर आ चुकी हैं। अब जो शालीन का रूप सामने आया है, जो वो डिप्रेस्ड से एकदम चुटकियों में ठीक हो गए हैं, वो देखकर आई गेस फराह खान को अब समझ में आ गया होगा कि वो एक्चुअल में वो थे या फिर ये था। क्योंकि इतने जल्दी तो भाई नहीं कोई ठीक होता। अगर जेनुइनली कोई उस चीज़ से गो थ्रू होता तो उसको एटलीस्ट थोड़ा तो टाइम लगता ही है। हाँ, मालूम है कि आपको उस शख्स से प्रॉब्लम था, लेकिन उसके ठीक जाते ही आप एकदम से ठीक हो गए, ये थोड़ा बात पच नहीं रही है। तो इसी पर जो बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट है शार्दुल पांडित, उन्होंने एक ट्वीट किया है, इतना भी डांटना जरूरी नहीं था। जी हाँ, उन्होंने कह दिया कि इतना भी डांटना जरूरी नहीं था जितना डांटा गया। फिर एक का कहना है कि अरे वो फराह खान थी साजिद खान की बहन, जिसका बैंड बजा दी थी टीना और प्रियंका ने, तो मौका का फायदा तो उठाना था। फिर एक का कहना है कि आई थिंक फराह खान डिड एब्सोल्युटली राइट, प्रियंका एंड टीना बोथ नीडेड द रियलिटी चेक, बोथ वेर रॉन्ग दिस वीक। फिर एक का कहना है कि एवरीवन कैन सी हाउ हार्श दे आर बीइंग ऑन टीना, भाई की बहन भाई की बोली बोलेगी। फिर एक का कहना है टीना का तो बनता था लेकिन प्रियंका का नहीं। फिर दैट वॉज इमेज क्लीनिंग ऑफ प्रियंका, प्रियंका वॉज मोर इंटरेस्टेड टू मॉक शालीन। फिर एक का कहना है कि टीआरपी का खेल है बाबू भैया, नेपोटिज्म क्वीन तो यही करेगी, मुखोटिया औरत है वो उस बेशरम लेडी से, और क्या उम्मीद है। फिर एक का कहना है कि शी डिजर्व्ड मोर बैशिंग दिस वीक, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर एरोगेंस एंड एटीट्यूड। फिर एक का कहना है कि राइट, इतना भी नहीं डांटना चाहिए था, गलत किया फराह खान ने। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल भी फराह खान की बैशिंग से एग्री नहीं करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और इनफैक्ट बिल्कुल भी खुश नहीं है जो भी फराह खान ने किया प्रियंका और टीना के साथ, क्योंकि शालीन का तो असली चेहरा सामने आ ही गया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा।